तिल गुड़ और मूंगफली से लड्डू बनाएंगे, वो भी मकर संक्रांति स्पेशल। लड्डू बनाने के लिए 100 ग्राम तिल, 100 ग्राम मूंगफली और 200 ग्राम गुड़ लिए हैं। सबसे पहले हम तिल मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे। पैन में तिल डाल लेंगे, इसे हम लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट भून लेंगे। इसे ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे, ज़्यादा देर भूनने से तिल का कड़वा टेस्ट आ जाता है। देख सकते हैं कि तिल अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी पैन में मूंगफली भी रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली को भी हम लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे। देख सकते हैं कि मूंगफली भी अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब गैस बंद कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। मूंगफली जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो इसका छिलका निकाल लेंगे। देख सकते हैं कि सारे मूंगफली से छिलका निकाल लिए हैं। अब इसे मिक्सिंग जार में निकाल लेंगे और इसका दरदरा पाउडर बना लेंगे। आप इसे अदरक कूटने वाला में क्रश भी कर सकते हैं, इससे लड्डू और भी ज़्यादा अच्छा बनता है। अब हम चाशनी बना लेंगे। इसी पैन में गुड़ डाल लेंगे। गुड़ डालने के बाद इसमें 3 से 4 चम्मच पानी डाल लेंगे। अब इसे 3 से 4 मिनट पका लेंगे। देख सकते हैं कि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसे 3 से 4 मिनट पका लेंगे। एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल लेंगे। अब हम चाशनी को चेक कर लेंगे। एक बाउल में पानी लेंगे और इसमें थोड़ा सा चाशनी डालकर चेक कर लेंगे। देख सकते हैं कि चाशनी अच्छे से गोल बन जा रहा है। इसे हमारा चाशनी बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें तिल डाल लेंगे, मूंगफली डाल लेंगे। जैसे ही तिल गुड़ और मूंगफली अच्छे से मिल जाएगा, गैस हम बंद कर देंगे और इसका लड्डू बना लेंगे। लड्डू बनाने से पहले हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेंगे ताकि यह हाथ में चिपके नहीं। उसके बाद इसका लड्डू बना लेंगे। आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा लड्डू बना सकते हैं। इसी तरह से सारे लड्डू बनाकर प्लेट में निकाल लेंगे। देख सकते हैं कि लड्डू बनकर तैयार हो गया है। लड्डू जितना अच्छा देखने में लग रहा है, उससे भी ज़्यादा अच्छा खाने में लगेगा और ये बहुत ही जल्द बन भी जाता है। आप भी इस मकर संक्रांति में लड्डू बनाइए और सबको खिलाइए और मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिए कि कैसा बना और आगे कौन सा रेसिपी देखना चाहते हैं, वो भी कमेंट में शेयर कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।